पर देश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भले ही लोगों को बेहतर सेवाएं देने के दावे करते नहीं थकते, लेकिन उसके बावजूद निजी अस्पताल सरकार के दावों की हवा निकालने में पीछे नहीं है और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के बाद नहीं आ रहे। इसी के चलते फिर एक बार एक निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रिवाड़ी के सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जहां बीती 22 नवंबर को महेंद्रगढ़ जिले के गांव बड़कौदा का रहने वाले प्रेमवीर ने अपनी 25 वर्षीय पत्नी ज्योति को डिलीवरी कराने के लिए भर्ती कराया था। चिकित्सकों ने भी अभी ज्योति की गंभीर हालत को देखते हुए जान बचाने के नाम पर उसे भर्ती कर लिया और मरीज को ऑपरेट करने के लिए 16 यूनिट ब्लड लाने की बात कही। परिजनों ने इधर उधर से ब्लड का इंतजाम किया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन करते वक्त चिकित्सकों की लापरवाही के चलते मरीज की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई, जिस पर अब चिकित्सक उसे रेफर करने की बात कर रहे हैं। वहीं उनका ये भी आरोप है कि मरीज को एडमिट करते वक्त उन्हें शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक का नाम लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि इस अस्पताल में वह चिकित्सक है ही नहीं। बहरहाल मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अब ऐसे में अब उनके सामने एक ही सवाल है कि आखिर अवैध जाए तो जाए कहाँ। वहीं इलाज के नाम पर भारी भरकम बिल भी उन्हें थमा दिया गया, जबकि भर्ती करते वक्त तुरंत इलाज करने की बात कही गई थी। इधर चिकित्सक उन पर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि मरीज का पूरा इलाज किया गया है, साथ ही उन्होंने किसी भी प्रतिष्ठित चिकित्सक का नाम नहीं लिया। आपको बता दें कि निजी अस्पताल द्वारा मरीज के इलाज में लापरवाही का यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन व सरकार की ओर से इन पर अंकुश लगाने की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं अमल में लाई गई। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्यवाही अमल में लाता है। रिवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी न्यूज। बता दे। पता नहीं इन्होंने कदमा के, मैं तो अपना बच्चा सेफ करवाने के लिए आई थी यहाँ पे, पता नहीं इन्होंने नस काट के छोड़ दिया मेरा, और पूरे शरीर को काट के गिर रखा है। अब कैसे चलूँ, कैसे क्या करूँ, मैं अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिला पा रही हूँ, अपने हाथों से भी नहीं ले पा रही हूँ अपने बच्चे को भी। इन्होंने इसी हालत करके छोड़ दी, ना तो मैं इधर की रही ना उधर की रहेगी। बिल्कुल सीरियस है, दो तीन दिन से मेरे को परेशान कर रहे हैं कि आप ले जाओ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो पेशेंट मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो जितनी जल्दी हो सके ये ऐसे कह रहे हैं, चंडीगढ़ आप ले जाओ इनको, और बोला आप जो भी कुछ है यहाँ का जो है वो आप हमको दो, और आप यहाँ से जल्दी जल्दी निकाल के ले जाओ अपने पेशेंट को, बोला खतरे में है। तो ये मेरे को परेशान कर रहे हैं रात से, लापरवाही है। अब लापरवाही है सर, ये तो ये इनको खुद देखो ना आप, सर आप खुद समझदार हो, हमसे भी बड़े हो आप, ये काम करते हैं सब, कि इन्होंने गलत तरीके से सब कुछ किया। एक तो नाम भी छुपाया इन्होंने, जो मैडम असली थी वो नहीं बताया हमको, ये गलती इनकी है। इनको रखना था तो अपनी उसकी जिम्मेदारी पर रखते, भाई हम अदर हॉस्पिटल वाले हैं और अदर डॉक्टर हैं, मगर हमारे पास में पूरा सेफ मिलेगा, आपको चिंता मत करो, हम तो शीला देवी के नाम से यहाँ आए थे सर। पेशेंट की हमने जान बचा ली है, इतना हम बोलेंगे कि पेशेंट बच गई है, नहीं तो ब्लीडिंग से ये मर सकती थी। जिस तरीके से आरोप लगा रहे पेशेंट के परिजन जो है, वो कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा, किसी तरह की धोखाधड़ी, इलाज भी गलत किया गया है और पेशेंट की हालत भी ठीक नहीं है, तो क्या माना जाए? इसको मैं नकारती हूँ, पेशेंट एकदम ने बचाई, उसकी जान बचाई है। और ये जो बोल रहे हैं कि धोखाधड़ी हुई है शीला मैडम का, ये हॉस्पिटल पुराना था, लेकिन ये सिग्नस में एडमिशन हुआ है पूरा, डॉक्टर का नाम एडमिशन में है, और मैंने ही बोला है कि ये होगा, इन्होंने पूछा भी नहीं था एक बार कौन। आपके मुताबिक माना जाए कि लापरवाही और धोखाधड़ी की बातें सरासर गलत गलत, गलत बिल्कुल गलत।